टिक्कू कंटिन्यू द यस्टरडेज लेक्चर ऑफ क्लास थर्ड ईयर पेपर वन लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की कमियां चौथा पॉइंट है डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री ज्यामिति के अंदर जब खराबी आती है तो उस चीज़ को वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत नहीं बता पाता व्हेन देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन द ज्योमेट्री द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट दिस These type of deformations come when there are changes in pH and there is a huge change in the oxidation state of the complex. जब कभी pH के अंदर अंतर आता है या ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर अंतर आता है धातु के तब इस तरह की ज्यामिति में परिवर्तन होते हैं जिनको वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत नहीं बता पाता पांचवा पॉइंट है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कॉपर टू के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की का स्थायित्व कॉपर कोबाल्ट टू अपना D7 स्टेट बता रहा है और कॉपर टू अपना D9 स्टेट बता रहा है कोबाल्ट टू जब अपने D7 स्टेट में रहता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4D ऑर्बिटल में चला जाता है और ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो अस्थाई होता है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है मगर कॉपर टू जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है उसको निकालना आसान नहीं होता है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है हाई लेवल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक इट आउट दिस टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट इज टू मच स्ट्रेस ऑन मेटल ऑर्बिटल्स एंड मेटल्स बहुत ज़्यादा धातु की के कक्षों पे ध्यान दिया गया है ज़्यादातर वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत में धातु के कक्षों पे सिद्धांत ध्यान दिया गया है लिगेंड के ऊपर नहीं ध्यान दिया गया कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और लिगेंड के प्रभाव में किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है हाउ द लिगेंड इज इफेक्टिंग द मेटल एटम्स एंड हाउ द कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ the stability or strength of the ligands. These things are not explained in the valence bond theory. The last point is thermodynamic and kinetic aspects. गति और ऊर्जा के संबंध में किसी भी तरह की कमियों के बारे में वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत नहीं बताता है Thermodynamic and kinetic aspects are not explained by valence bond theory. And hence, we took another theory on the basis of these limitations. Okay.